नमस्कार दोस्तों, यह है आपका अपना YouTube चैनल गुरुकुल 24 और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इतिहास। आज इतिहास की सीरीज के अंतर्गत हम जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने जो टॉपिक लिया है स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। तो आइए देखते हैं इनकी गतिविधियाँ क्या रही हैं। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ये आपके सामने स्क्रीन में इनका एक फ़ोटो दिख रहा है। इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध किताब है, उसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस किताब में अपने एक्चुअल विचार रखे तो इनके बारे में जब हम थोड़ी सी बायोग्राफी देखें तो इनको हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको ईयर डला हुआ है 1824 में इनका बर्थ हुआ है और 1883 में इनकी डेथ हुई है। और इनका जो मूल नाम है यानी ओरिजिनली जो नेम है इनका, वह मूल शंकर है। जब उन्होंने अध्यात्म ग्रहण किया और स्वामी बिरजानंद जी से इन्होंने दीक्षा ली तो उसके बाद इन्होंने अपना नाम बदला स्वामी दयानंद सरस्वती। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको ये जो हमारे अपडेट्स वो आपको मिलते रहें। मोरबी रियासत जो गुजरात में काठियावाड़ में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनका जो बचपन से ही स्वभाव था वो था समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, जो धार्मिक आडंबर चल रहे हैं, उनका ये बचपन से ही विरोध करते थे। तो एक 1850-60 के अराउंड में ये क्या हो गया, इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और भारत में दूसरे हिस्सों पे ये भ्रमण करने लगे। इस दौरान उन्होंने जो अनुभव किया कि जो समाज में धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयाँ हैं, इन बुराइयों को दूर करने के लिए जो आधार बनेगा वो हमारा वैदिक धर्म बनेगा। वैदिक धर्म यानी जो वेदों में लिखा गया है, यानी जो हमारे चार प्रमुख वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो चार हमारे हिंदू धर्म के मूल वेद हैं, उन वेदों को पुनः स्थापित करना ये इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। अब लक्ष्य बनाए तो उसके लिए कुछ ना कुछ काम किया होगा, मूर्ति पूजा का विरोध किया, फिर ब्राह्मण कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, इन चीज़ों का विरोध किया। फिर क्या किया, 1876 में क्या हुआ, हरिद्वार कुंभ होता है, आपको पता है कुंभ चार जगह भारत में होता है, तो हरिद्वार में जो कुंभ हुआ उस कुंभ में इन्होंने क्या किया, पाखंड खंडनी पताका यानी कि एक झंडा फहराया जिसका उद्देश्य था कि जो भी में सामाजिक जीवन में जो भी पाखंड हो रहा है उस पाखंड का खंडन करना, ख़त्म करना उसको। तो उन्होंने पाखंड खंडनी पताका 1876 में हरिद्वार कुंभ से शुरू की। इसकी जो प्रेरणा उनको मिली थी, गुरुजी थे स्वामी बिरजानंद जी, उसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे आगे। तो ये उसकी भूमिकाएं हो गई कि इन्होंने कहाँ से किया। इसके बाद इन्होंने जो मैंने अभी बताया कि इनका जो मूल उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना, लोगों को वो लौटाना चाहते थे कि आप अपने मूल वेद को पकड़ो और उसके आधार पर जीवन जियो। तो इन्होंने ये उद्देश्य लिया और इसके हिसाब से वो चलने लगे। फिर इन्होंने क्या किया, एक बड़ा अच्छा काम किया कि जो भी ऐसे लोग जो हिंदू धर्म में से दूसरे धर्म में चले गए थे, चाहे वो ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, उन सभी धर्मों में जो लोग चले गए थे उनको वापस हिंदू धर्म में ला करके दीक्षित करने का काम किया, उनको फिर से लाया। और इसके लिए इसको जो नाम दिया वो शुद्धि आंदोलन नाम दिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, दयानंद सरस्वती ने। क्यों चलाया, तो जो हिंदू दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, धर्मांतरित हो गए थे, उनको वापस पुनः उनके धर्म में, हिंदू धर्म में लाने के लिए ये आंदोलन चलाया। फिर इन्होंने एक महत्वपूर्ण किताब लिखी थी, मैंने एक बताई थी सत्यार्थ प्रकाश, दूसरी इम्पोर्टेंट किताब है गौ करुणानिधि। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण किताब है जिसमें इन्होंने भारत में पहली बार गौ वंश को महत्व देते हुए, और उन्होंने किया कि जो सबसे निचले तबके में माना जाने वाला वर्ग था शूद्र, उसको और स्त्रियों को जो हमारा मूल आधारित धर्म ग्रंथ है उसको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। और उन्होंने क्या किया था, यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में थे, वो चाहते थे कि शूद्र महिलाएं भी यज्ञोपवीत धारण करें। और इसके लिए स्वामी जी ने क्या किया, जितने भी धर्म उस समय चल रहे थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों के अंदर में जो भी बुराइयाँ चल रही थी उनका खंडन किया उनको। तो इसकी वजह से स्वामी जी का विरोध भी हुआ। अब इसी बीच में क्या हुआ कि स्वामी जी ने आर्य समाज नाम के एक संस्था बनाई कि मेरे अकेले बस करने से क्या होगा, जब तक लोग समग्र रूप से इकट्ठा होकर के बदलाव के लिए नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव समाज में दिखेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक संस्था बनाई जिसका नाम था आर्य समाज। तो आर्य समाज संस्था इन्होंने कहाँ बनाई, 1875 में मुंबई में बनाई, ठीक है। और बाद में यही संस्था जो है इसका हेड ऑफिस जो शिफ्ट हो गया वो लाहौर शिफ्ट हो गया। कि स्वामी जी ने ये जो स्थापना की थी ये मथुरा के जो एक स्वामी जी थे स्वामी बिरजानंद,
उनकी प्रेरणा मथुरा वृंदावन वो गए थे अपने संन्यास के दौरान। इस दौरान उनकी मुलाकात हुई स्वामी विरजानंद जी से और वहाँ से उन्होंने प्रेरणा ली कि ऐसा कोई संगठन बने जो इस विषय में काम करे, और वहाँ से फिर उनकी प्रेरणा के बाद उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने आदर्श वाक्य जो लिया था वो कृणवंतो विश्व मार्यम, अर्थात इसका मतलब यह है समस्त विश्व को आर्य बनाया जाए या समस्त विश्व को आर्यमय किया जाए, ठीक है। और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने संगठन बनाया तो उसके कुछ नियम हुए, तो नियम के लिए उन्होंने क्या जोड़े कि ऐसे 10 प्रमुख नियम बनाए जो यह आर्य समाज के संगठन से जुड़ने वाले व्यक्ति को मानने थे। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्रगतिशीलों का समाज इसको बोला। ये पूरा जो आर्य समाज बना, इस आर्य समाज की संस्था बनने के बाद इन्होंने स्त्री शिक्षा पे जोर दिया, बाल विवाह ना करके उचित आयु में विवाह किया जाए, विधवा विवाह पर उन्होंने जोर दिया, धार्मिक कर्मकांड जो थे उनको ठीक करने के लिए जोर दिया कि भाई जो हमारी वैदिक पद्धति है उसके अनुसार जो दिया है उसको माने बाकी को छोड़ें। और सबसे महत्वपूर्ण था इन्होंने जो जाति प्रथा को उसको बहुत रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि हमारा जो हिंदू धर्म है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों में विभक्त होकर के अपने मूल उद्देश्य यानी कि जो वैदिक जीवन पद्धति है उससे कट गया था। तो इन्होंने क्या किया, जाति प्रथा का भी विरोध किया खुल करके, और इस विरोध के बाद में वो संगठन को अपना चलाते रहे कि इन्होंने धर्म परिवर्तित लोगों को पुनः हिंदू धर्म बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन के बाद वैलेंटाइन जो सिरोल थे, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, लेखक थे, पत्रकार थे, इन्होंने क्या किया अपनी एक पुस्तक लिखी इंडियन अनरेस्ट। उन्होंने एक किताब एक जगह पे लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक को भारत में अशांति का जनक माना है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट माना है किसको, बाल गंगाधर तिलक को। लेकिन संस्था के रूप में भी उन्होंने जो है आर्य समाज को एक अशांति का जन्मदाता के रूप में उन्होंने कि कुछ समय बाद जो था आर्य समाज का जो हो गया वो विभाजन हो गया। तो उसका एक जो वर्ग था वो था लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, इनके अंडर में था, इनके सहयोग में था, और दूसरा वर्ग जो था वो स्वामी श्रद्धानंद जी के सपोर्ट में था। अब इन दोनों का जो डिवीज़न हुआ ये आर्य समाज के रूप में, ये 1890 को हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो आर्य लाला लाजपत राय थे ये चाहते थे कि भाई पश्चिमी शिक्षा का भारत में बढ़ावा मिले, और जबकि स्वामी श्रद्धानंद चाहते थे कि नहीं, हमारे जो गुरु ने कहा है यानी जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि भारत को मूल वैदिक पद्धतियों को लेकर के चलना है, तो उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति का समर्थन किया और वो उसके पक्ष में चले गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसका आर्य समाज संगठन का विभाजन हो गया और ये 2 भाग में बन गया। अब पश्चिमी शिक्षा पर आधारित जो संस्था थी उसने क्या किया, कालांतर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ये स्थापित किए, यानी वो चाहते हैं कि थोड़ा सा पश्चिमी टच भी आ जाए इसमें और हम फिर वैदिक पद्धति को चलाते रहें। तो इसके लिए इन्होंने कह दिया भारत में दयानंद एंग्लो स्कूल, DAV स्कूल, जो कि आज भी बहुत सक्रिय है और चलते हैं, इन कॉलेजेस की स्थापना की। जबकि स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसी विचारधारा को अपनाया जो उनके गुरु स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की थी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो था वह आर्य समाज की इसी विचारधारा पर केंद्रित था, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। जब 1875 में ये बना उसके बाद बहुत सक्रिय रूप से काम किया, तो इस संगठन से ऐसे लगभग 80% लोग उन क्रांतिकारी दिए। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि इसमें भी कोई टॉपिक यदि कन्फ्यूज़न हो, समझ में ना आए हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन में दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आपको ये जो हमारे अपडेट्स वो आपको मिलते रहें। तो चलिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद।